नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आप झारखंड का रन हारने के बाद बीजेपी के तरफ से खुलकर बोल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। रहती है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही अटल जी सिखाए। हार में ना जीत में किंचित ना भयभीत हो, इसमें लोग सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, जनता के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए उसी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काम करता है। सरकार ने नई सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैं दुनिया मेरे बारे क्या बोले क्या सोचे, मैं संतुष्ट हूँ। 3 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो 2014 में एक स्थिर सरकार में मैंने पूरी ईमानदारी से एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की और इस राज्य की ईमानदार सरकार देने का प्रयास किया। ईमानदारी से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो ने समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास के निरंतर पहुँचा, उस अंतोदय के सपनों को साकार करने के लिए 3 लाख मेहनत की कि लोकतंत्र है, जनता का जो भी फैसला है हम स्वीकार करते हैं और आगे इसी मेहनत से राज्य की जनता की सेवा करेंगे और संदेह अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना और हमारी पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री जी के अटल जी के सपनों को सजाने और संवारने का भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यक्रम। सर आप खुद कहें कि छुट्टी एक दिन भी 5 साल में अच्छी बढ़ाती है, एक सवाल पूछे हम लोगों से हम कितना बढ़ा सकते हैं? मुझे कोई समझ कि इस 5 वर्ष में आप भी अनुभव कर रहे होंगे, 14 साल में जो बिचौलियों का सरकार था, 14 साल में जो बिचौलिया इस राज्य को देश दुनिया में बदल, 14 साल में जो सत्ता बनाने और गिराने का खेल खेला, वैसे लोग इस 5 वर्ष में हमने हमारी सरकार पर कोई एक दाग नहीं, हमारी सरकार इस समय कोई बिचौलिया कोई भ्रष्टाचारी सब कौन पकड़ेगा ईमानदार सरकार देने, तो इन्हीं के पास कोई मुद्दा नहीं। तो जिस तरह दुष्प्रचार कर हमें अहंकारी बताया गया, हमें गुस्सेला बताया गया और इस तरह जनता के बीच दुष्प्रचार कर ये पार्टी को भी क्षति कराने का काम किया और इस पर्सनल व्यक्तिगत हमारे ऊपर इनका कोई और मुद्दा ना हो के सिर्फ इस तरह का दुष्प्रचार किया। कभी कभी षड्यंत्र सफल हो जाते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र के द्वारा कोई चीज़ प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है और मैंने हमेशा अपनी मैं एक बूथ कार्यकर्ता से यहाँ तक संघर्ष करके आया, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता, असल में कभी विचलित नहीं करता। हम सत्ता की भी राजनीति की हम विपक्ष की भी और उसी तत्परता से पार्टी ने जो हमें इतनी बड़ी सम्मान दी एक मजदूर को, तो जो बड़े बड़े नामदार थे इस राज्य में उनको एक कामदार एक कामगार पसंद नहीं आया और इस तरह षड्यंत्र व्यक्तिगत चरित्रण करना, मैं फिर खुली चुनौती देता हूँ कि मेरा एक जमशेदपुर में घर छोड़कर कोई बताए कि हमने 5 वर्ष में क्या हमारे पास हमारे परिवार के पास हमारे परिवार पर आरोप लगाया गया। इस तरह जो व्यक्तिगत चरित्र अब हमारे हमसे आपको किसी को दुश्मनी है, मेरे परिवार से क्या दुश्मनी, मेरे छत्तीसगढ़ का मैं जन्म लिया जमशेदपुर में, ठीक हमारे पूर्वज छत्तीसगढ़ वासी एक जाति विशेष को कुप्रचार किया
ये स्वस्थ लोकतंत्र चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत चरित्र रन करके जनता इसकी जवाब देगी। सर इसी में समीक्षा करेगी निश्चित रूप से, पार्टी जीत की भी समीक्षा करते हैं, हार की भी समीक्षा। सर आपके काम को और जिस तरह से बिना थके करते रहे चर्चा के रघुवर दास पर पार्टी में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, जिम्मेदारी पार्टी उनके देगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनका लाभ। वाजपेयी जी ये भी कहते थे कि कार्यकर्ता ऐसा पैदा जो कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो मैं वाजपेयी जी के आदर्शों पर चलने वाला कार्यकर्ता, हमें कार्यकर्ता के रहते हुए भी उसी तत्परता से वही गांव गांव फिर चौपा फिर जनता को जागरूक विकास को। देखिए आप सभी इसके संशोधित गवाह, हर हफ्ता दो दिन मैं कार्यकर्ताओं से मिलता था कि नहीं भाई, थोड़ा सा मैंने कहा ना क्षुद्र राजनीति, हर हफ्ता बुध मंगल और बुध सभी आप दर्शक हमारे पार्टी कार्यालय में रजिस्टर भी हुए पूरे राज भर के। जब भी मैं कार्यालय आता था तो सभी कार्यकर्ता ऐसे इस तरह का मैंने कहा दुष्प्रचार किया। देखिए जयचंद होते हैं, जयचंद लोग के कारण ये पार्टी की हार। देखो समीक्षा के दरमियान सारी विस्तृत चर्चा के भी बहुत कारण होते हैं जीत के। आपने सुना रघुवर दास साफ साफ ये कह रहे हैं, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है वो मनाई गई है, उसके बाद साफ साफ रघुवर दास ने कहा है कि दुष्प्रचार कर चुनाव जीता गया है, नामदारों ने कामदार का चरित्र हनन किया है, जमशेदपुर के घर के अलावा मेरी कोई संपत्ति नहीं है, मैं अहंकारी नहीं हूँ। ये बातें साफ कर दी हैं रघुवर दास ने। हालांकि महागठबंधन की जीत होने के बाद 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा रांची के मोहराबादी मैदान में, वहाँ पर महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो देखने को मिलेंगे एक साथ एक बार फिर से। और बिहार में विधानसभा को बस 10 महीने ही रह गए हैं, इसमें देखने वाली बात यह होगी कि वहाँ पर एकता दिखाने के बाद वो एकता कितने दिन तक बरकरार रहती है और आगे और क्या क्या ऐलान किया जाता है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।